वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम अपनी भाषा गर्व पुस्तक का लेसन 11 रीड करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, जिसका नाम है क्रिया। और क्रिया का अर्थ है बेटा काम वाले शब्द। लेकिन पाठ को शुरू करने से पहले हमें एक्टिविटी करेंगे, जिसमें मैं आपको कुछ एक्टिंग करूंगी बेटा और आप बताएंगे उसमें कौन सा काम किया गया है। तो बच्चों, अब आप देखिए, मैम कौन सा काम कर रही है? लिखने का। वेरी गुड। अब देखिए, पढ़ने का। शाबाश। और अब मैम ने अभी क्या काम किया? रखने का। मैम ने अभी बुक रखी है टेबल पर, है ना? अब बताइए मैम क्या काम कर रही है? तालियां बजाना। शाबाश। और अब क्या काम कर रही है? हा, हा, हा। हंसने का। रोने का। अब बेटे देखिए, अब बहुत सारे काम सुबह से उठ करके रात तक करते हैं। सुबह को उठना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, अपना बैग लगाना, बस में बैठना, स्कूल आना, पढ़ना, बातें करना, दोस्तों से मिलना, इसी तरह से बेटा आप शाम तक बहुत सारे काम करते हैं। तो इन सब कामों को हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द। और बच्चों, आपको मालूम है कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो अपने आप होते रहते हैं, खुद से होते हैं। आंखों को चपकना अपने आप होता है, हम पकड़ करके नहीं चपकते, है ना? बारिश का आना, बिजली का चमकना अपने आप से होता है, तो ये भी क्रिया शब्द है। और इसी तरह से बच्चों, पक्षियों का चहचहाना, पशुओं का बोलना, ये भी सब क्रिया शब्द है। तो क्रिया शब्द का अर्थ हुआ बेटा काम वाले शब्द। आज हम चैप्टर में काम वाले शब्दों के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए, ओपन ईयर बुक्स पेज नंबर 48। तो चलिए, पुट फिंगर्स एंड स्टार्ट रीडिंग। मनु, मनन, इस बार नया साल कैसे मनाओगे? तो देखिए बेटा, इसमें बच्चों के, मनु और मनन के पापा उनसे पूछते हैं कि बेटा, इस वर्ष जो नया साल आ रहा है उसे तुम कैसे मनाओगे? तो मनु क्या बोलती है? क्यों ना नए साल में कुछ रेजोल्यूशन करें। तो मनु क्या कहती है पापा को कि पापा, क्यों ना हम नए साल में कुछ रेजोल्यूशन करें। रेजोल्यूशन का अर्थ है बच्चों कुछ मन में निश्चय करना कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मनन ने क्या कहा? तुम्हारा मतलब है कुछ नया निश्चय करें? यह तो बहुत अच्छी बात है। तो मनन ने क्या जवाब दिया मनु को कि तुम क्या कहना चाहती हो कि कुछ नया निश्चय करें, यानी कि मन में कुछ नया सोचना कि हम नए साल में कुछ नया करेंगे, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो जिस तरह से बच्चों आप भी नया साल शुरू होने पर अपने मन में कुछ नया सोच सकते हैं कि आप आने वाले साल में क्या करना चाहेंगे, और उसी को क्या कहा जाता है? रेजोल्यूशन। तो देखिए बच्चों, मनु ने क्या क्या रेजोल्यूशन लिए थे मन में? सुंदर लिखना, टीवी कम देखना, मदद करना,
नए पौधे लगाना और खूब खेलना। तो ये सब बातें मनु ने अपने मन में सोची, अपने निश्चय किए। और मनन ने क्या निश्चय किया? खूब किताबें पढ़ना, हरी सब्जियां खाना, अपनी चीज़ें साफ रखना, अपना गृह कार्य पूरा करना और गुस्सा नहीं करना। तो मनु और मनन ने इस तरह से अपने मन में निश्चय किया कि हम अगले साल ये काम करेंगे। तो देखिए बच्चों, अब मनु और मनन ने नए साल में नए काम करना तय किया, मीन डिसाइड किया। लिखना, टीवी कम देखना, मदद करना, पौधे लगाना, पढ़ना, खाना, साफ रखना, गृह कार्य करना मीन्स होमवर्क करना, गुस्सा ना करना। और ये सब क्या है बेटा? ये सभी काम हैं, यानी काम वाले शब्द हैं। और काम वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? क्रिया शब्द। वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, अब हम समझ गए, सब कुछ ना कुछ करते हैं, सबके अलग अलग काम हैं, जैसे सोना, जागना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, उड़ना, तैरना, चढ़ना, गाना, खेलना। ये शब्द काम के बारे में बताते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से इन चित्रों में कुछ बच्चा तैर रहा है, पक्षी उड़ रहा है, एक बच्चा ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ियाँ, एक बच्चा गिटार बजा रहा है और एक बच्चा क्या कर रहा है? योगासन कर रहा है, और कुछ दो बच्चे खेल रहे हैं। तो ये सब क्या है? काम वाले शब्द। और काम वाले शब्दों को बच्चों क्रिया शब्द कहा जाता है। तो देखिए, इसमें आपके पास बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको उन्हीं से संबंधित कुछ क्रिया शब्द यानी काम वाले शब्द लिखने हैं कि ये क्या काम करते हैं। देखिए बेटा, अभी आपने पिक देखी, इसमें आपके पास कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको उन्हें पहचान कर उनके कोई भी दो दो काम लिखने थे। तो पहली पिक्चर किसकी थी? किसान की। और किसान क्या काम करता है बेटा? खेती करना, हल चलाना, फसल लगाना। आप कोई भी दो काम लिख सकते हो। इसी तरह से माली क्या काम करता है बच्चों? पौधों को पानी देना और पौधे लगाना। उसके बाद पेड़ क्या देता है? पेड़ हमें क्या क्या चीजें देता है? फल देना, छाया देना और हरियाली देना। तो आप कोई भी काम जो ये करते हैं चित्र में, वही आपको लिखना है। इसी तरह से देखिए, चिड़िया क्या क्या काम करती है? चहचहाना और फुदकना, दाना खाना। और सूर्य क्या काम करता है? सूरज रोशनी देना और चमकना। नेक्स्ट पेज पर देखिए बेटा, इसमें आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको इनसे हम क्या क्या काम कर सकते हैं वो दो दो काम लिखने हैं। पहले आप लिख लीजिए, फिर आप अपने आंसर्स टैली करेंगे। अभी बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 की पिक देखी, इसमें आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको उनसे कोई भी दो काम लिखने हैं कि आप उनसे क्या क्या काम हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड आपके पास एग्जाम्पल दिया गया था बेटा पानी। पानी का क्या काम कर सकते हैं? हम पानी से पी सकते हैं और पानी किसी को दे भी सकते हैं। इसी तरह से दूध, दूध से आप क्या क्या काम कर सकते हो? पीना, पी सकते हैं ना दूध को, और दूध को उबलना, दूध उबलता भी है। उसी तरह से गुब्बारा,
गुब्बारे से क्या करते हो? खरीदना, खरीदते हो पहनना, और फिर उड़ना, उड़ाना। आप इनसे ये भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, आपके पास कुछ चित्र दिखाए गए हैं और आपको उन्हें देख करके बताना है कि क्या क्या काम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, आपके पास कुछ चित्र दिए गए थे और आपको यह बताना था कि इसमें कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है। पहले में बच्चा क्या कर रहा है? मटर को छील रहा है। तो क्या काम हुआ? छीलना। अगले चित्र में दर्जी क्या सील रहा था? क्या कर रहा था? कपड़ों को सीलना, सीलने का काम कर रहा था। इसी तरह से नेक्स्ट पिक्चर में लड़की क्या काम कर रही है? आम को खाना, खाने का काम। तो आप क्या लिखेंगे? खाना। फिर बच्चा क्या बजा रहा है? तबला। तो क्या काम किया उसने? बजाने का काम। तो आप लिखेंगे बजाना। इसी तरह से लास्ट पिक्चर में क्या बना था बेटा? एक बच्चा डस्टबिन में कूड़ा क्या कर रहा है? फेंक रहा है। तो क्या काम हुआ? फेंकने का काम। तो आप लिखेंगे फेंकना। और ये सभी क्या है बेटा? कौन से शब्द है ये? काम वाले शब्द। और काम वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया शब्द। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी लेखन अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 24 पर सुलेख लिखना सीखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड क्या है? शलगम। शलगम, टमटम, खटमल, एंड लास्ट इज कसरत। इस प्रकार से जो आप भी सुंदर सुंदर लिखे। तो बच्चों, आज के लिए आपका एडवाइजरी वर्क है, पेज नंबर 53 पर बच्चों आपको यह लिखना है कि घर पर आप माँ की क्या क्या मदद करते हैं। आप कोई भी तीन काम लिख सकते हैं। आज के लिए हमारा सुविचार है, मेहनत का फल मीठा होता है। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।